वापी बाबले से जुड़ी हुई बता रहे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर फैसला आज, वाराणसी कोर्ट से रिपोर्ट को लेकर एएसआई का आग्रह। 4 सप्ताह तक सार्वजनिक ना की जाए रिपोर्ट, 1991 विशेषज्ञ विराजमान केस का हवाला दिया। 18 दिसंबर को एएसआई ने सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट। दोपहर जिला जज इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा और हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष हार्ड कॉपी चाहते हैं। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर दोनों पक्षों को सुन चुके हैं और बुधवार को 1 घंटे की बहस भी अदालत ने दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की थी और हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं और वकीलों ने रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांगी तो मुस्लिम पक्ष ने इसे मेल पर लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उधर एएसआई ने 4 सप्ताह तक रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की अपील की है और एएसआई के वकील ने हाईकोर्ट के आदेश और सीनियर डिवीजन एफटीसी में चल रहे केस में रिपोर्ट सौंपे जाने का हवाला दिया था। हालांकि आज का दिन अहम है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है तो ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं होगी, यह बड़ा सवाल है। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को लेकर आज अहम दिन है। सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर फैसला आज होना है। वहीं वाराणसी कोर्ट से रिपोर्ट को लेकर एएसआई का आग्रह है और 4 सप्ताह तक सार्वजनिक ना की जाए रिपोर्ट। 1991 विश्वेश्वर विराजमान केस का हवाला दिया गया है और 18 दिसंबर को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी कि नहीं, आज इस पूरे मामले पर फैसला संभव है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी नहीं, आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कल भी सुनवाई हुई थी और आज दोपहर 2 बजे के बाद संभवत इस पर आदेश आ सकता है कोर्ट का कि कोर्ट का निर्णय क्या होगा। ज्ञानवापी की जो सर्वे रिपोर्ट है वो क्या सार्वजनिक होगी, क्या वादी प्रतिवादियों को इसकी कॉपी दी जाएगी, इस पर आज इसका आदेश आना है। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर एएसआई ने कल लिखित रूप से एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें कहा गया है कि 1991 में जो केस चला रहा है उस पर भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे करने का, ऐसे में उस सर्वे को भी पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद इस सर्वे रिपोर्ट को वादी प्रतिवादियों को दिया जाए या सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि उससे पहले सार्वजनिक करने पर स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें उस सर्वे में भी जोड़ी जानी है, तो ऐसे में पूरा का पूरा सर्वे रिपोर्ट एक साथ देना चाहिए, ऐसा एएसआई के हवाले से प्रार्थना पत्र के द्वारा कहा गया है। तो आज का दिन अहम इसलिए हो जाता है कि दोपहर 2 बजे के बाद कोर्ट ये तय कर देगा कि क्या 4 हफ्ते बाद सर्वे रिपोर्ट वादी प्रतिवादियों को दी जाएगी या सार्वजनिक ये पब्लिक डोमेन में दी जाएगी या फिर उससे पहले ही दे दिया जाएगा, तो ये आदेश 2 बजे के बाद आएगा। फिलहाल जिस तरीके से एएसआई ने प्रार्थना पत्र दिया है उससे माना जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट है वो 4 हफ्ते के लिए अभी और टल सकता है और उसके बाद ही सर्वे रिपोर्ट वादी प्रतिवादियों को दी जाएगी, पर कोर्ट का निर्णय अहम है। कोर्ट 2 बजे के बाद ही फैसला लेगी और इस पर आदेश देगी कि सर्वे रिपोर्ट को लेकर के कोर्ट का क्या रुख है। सुशांत, सर्वे रिपोर्ट को अगर समझा जाए, देखा जाए और परखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल मन में यह भी आता है कि सार्वजनिक करने को लेकर किस तरह की जो है पेचीदा वो सामने हो सकती है और अगर सार्वजनिक किया जाता है तो इसमें क्या परेशानियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती, उसके ड्रॉबैक्स और साथ ही साथ उसको लेकर जो फैक्ट्स जो जानना चाहते हैं वो कितना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, पूरा जो विश्व है वो ज्ञानवापी के सच को जानना चाहता है। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में साफ हुआ कि जिस तरीके से वहां हिंदू मंदिरों को प्रतीक चिन्ह मिले उससे कहीं ना कहीं से जो आंखों से दिखाई दिया उससे ही नजर आया कि वहां पर हिंदू मंदिर ही था। हालांकि इसकी जो वैज्ञानिक पद्धति है उस पर मुहर लगाती है एएसआई की रिपोर्ट, इसलिए एएसआई की रिपोर्ट अहम हो जाती है क्योंकि राम मंदिर केस में भी एएसआई की रिपोर्ट ने ही के बाद ही कोर्ट ने फैसला लिया था, तो इसलिए एएसआई की रिपोर्ट जानने के लिए सभी उत्सुक है। पर जैसे ही सर्वे रिपोर्ट जमा हुआ वैसे ही दूसरे पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने यह प्रार्थना पत्र दिया था कि सर्वे रिपोर्ट किसी को न दिया जाए और दिया भी जाए वादी प्रतिवादियों को तो हलफनामे ले लिया जाए कि कोई इसे सार्वजनिक नहीं करेगा, इससे माहौल खराब हो सकता है। तो एक अजीबोगरीब तर्क दिया गया था जबकि ज्ञानवापी का सच दुनिया जानना चाहती है और सर्वे अगर हो गया है तो सर्वे रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, यह हिंदू पक्ष का कहना था। हालांकि इसके बाद
सुनवाई होती रही, कोर्ट में भी स्ट्राइक रही, इसके बाद बार कैसेशन का चुनाव रहा, सारे मामलों को लेकर के सुनवाई टलती रही। कल सुनवाई जरूर हुई, पर जिस तरीके से एएसआई ने प्रार्थना पत्र दिया है, 4 हफ्ते का समय मांगा है, तो अब इसमें 4 हफ्ते का समय और दिया जा सकता है। पर इस एएसआई की रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट से इस बात को मुहर जरूर लग जाएगी वैज्ञानिक तरीके से कि आखिर वहां पर पहले क्या था, और जो वहां पर एएसआई को सबूत मिले हैं 250 से अधिक सबूत ऐसे मिले हैं, साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिसे प्रिजर्व करके रखा गया है, जो इस बात की गवाही देंगे कि वहां पर क्या था, 11वीं का सच क्या है। बिल्कुल, और इसीलिए सार्वजनिक रिपोर्ट करने को लेकर कहीं ना कहीं सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण।